जी जय हिंद। नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं राजनीतिक खबरों की ओर, जहां पूरा जिला और देश इस खबर को देखने के लिए था बेकरार। जी मैं बात कर रहा हूं गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में आयोजित भाजपाइयों का यह विशाल कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को सफल करने में कार्यकर्ताओं में जोश, जज्बा और उत्साह देखने को मिला। इधर बेंगाबाद और गांडे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उमंग था। बताया जाता है 2024 के लिए एक स्वर में जमकर नारेबाजी करते हुए बेंगाबाद से अगुवाई करते सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव, मंडल अध्यक्ष पूजन राम, अजय राणा, रंजीत मारंडी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुधीर राणा, रिंकू राणा, दशरथ सिंह आदि समेत ने सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन को सुनाया। इधर गांडे से भी पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक की अगुवाई में भी जिले के विभिन्न प्रखंडों और विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का जत्था कार्यक्रम स्थल पहुंचा। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि उमड़ा यह जनसैलाब साबित करता है राज्य देश के लिए भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। आगामी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के विकास में अहम योगदान देंगे। देश ही नहीं पूरे विश्व की जनता की यही चाहत है। यही कारण है विदेशों में भी मोदी जी का बज रहा है खुशी का डंका। आइए देखते हैं और किसने क्या कहा इस मौके पर। तो फिर बने रहे बीएनबी से और लगातार सबसे पहले बीएनबी की खबरों को देखने का दिल हो तो सब्सक्राइब और न्यूज को अपने चाहने जानने वाले अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। आज जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम था और हम लोग आज झंडा मैदान में हजारों हजार के तादाद में पहुंचे हुए हैं और सभी जाति धर्म समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं और भारत सरकार का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका आशीर्वाद। और इस नारा का हम लोग बुलंद कर रहे हैं और भारत सरकार भी इस नारे को सच साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है और दुनिया में भारत का डंका बज रही है और चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहर रहा है और उसी को हम लोग बुलंदी देने के लिए आज नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार और देश को जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हम लोग सुनने के लिए झंडा मैदान पहुंचे हुए हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि जन सैलाब जैसे उमड़ पड़ी है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में प्रचंड बहुमत से भी बनने वाली है और झारखंड में भी सरकार जो अभी निकम्मी सरकार है उसको सख्त पलटने का काम झारखंड वासी हमारे करेंगे। ये निकम्मी सरकार को जब तक हम बाढ़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं छोड़ेंगे। और यह जन सैलाब देखने को मिल रहा है। भारत माता की जय। जय हिंद। स्वागत करने के लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष से श्रीमान दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूँ कि शॉल और बुके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। शॉल और बुके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आने वाला 2024 में
भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और जो भी थोड़ा बहुत अधूरा जो भी इच्छा है हमारे देश के वासियों को वो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर इच्छा पूरा करने का प्रयास हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।